नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जसवंत मेहता और आप देख रहे हैं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास। दोस्तों, इससे पहले वाली कक्षा में हमने साहित्य और इतिहास शब्द के बारे में देखा था और अब अपनी कक्षा को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम देखेंगे हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथ, प्रमुख इतिहासकार और प्रमुख इतिहास ग्रंथ जैसे कि गार सादे तासी, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु हैं, सर गिरियसन हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, इन सभी के बारे में, इतिहासकारों के बारे में और इनके इतिहास ग्रंथों के बारे में आज हमें पढ़ना है। इससे पहले आपको बता दूं कि जो नोट्स आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो नोट्स आप ये पढ़ेंगे, इन्हें आप स्थायी रूप से अपने पास रखने के लिए हमारी वेबसाइट से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और इसके लिए आपको गूगल में टाइप करना होगा JASWANTMESTA140। गूगल में लिखकर सर्च करेंगे, हमारी वेबसाइट ओपन होगी, वहाँ से नोट्स डाउनलोड के ऑप्शन से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि रोज़ाना जो अब कंटिन्यू क्लास होगी, पूरा साहित्य हम पढ़ेंगे, उसके बाद काव्य शास्त्र पढ़ेंगे, फिर व्याकरण पढ़ेंगे और फिर फर्स्ट पेपर की तैयारी करेंगे। तो जो कंप्लीट जो रोज़ाना क्लासें डाली जाएंगी उनका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। तो दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथों से। सबसे पहला जो इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का लिखा गया था वो एक विदेशी विद्वान थे, गार सादे तासी। उन गार सादे तासी द्वारा हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ लिखा गया था। तो सबसे पहले हम गार सादे तासी के इतिहास ग्रंथ से शुरुआत करते हैं। देखिए, आप देख रहे हैं कि ये गार सादे तासी की जो डिटेल लिखी हुई है कि ये फ्रांस के निवासी थे तथा भारत में उर्दू के प्रोफेसर थे। फ्रांस के ये मूल निवासी थे, भारत में उर्दू के प्रोफेसर के रूप में ये कार्य कर रहे थे। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किया। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था। तो वह पहला प्रयास किया गया था गार सादे तासी द्वारा। इनके इतिहास ग्रंथ का नाम था इस्तवार दैला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी। इस्तवार दैला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी, इनके देखिए अर्थ क्या होगा इसका। नीचे मैंने शब्दार्थ लिखे हैं कि इस्तवार का अर्थ होता है इतिहास, लिटरेचर ये आप याद रख सकते हैं कि अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है, इससे मिलता जुलता लिटरेचर, उस लिटरेचर का हिंदी अर्थ होता है साहित्य। तो वहीं से आप इसे याद रखें कि लिटरेचर का अर्थ होगा साहित्य। एंदुई शब्द जो है, इस एंदुई शब्द का अर्थ होता है हिंदुओं द्वारा बोली जाने वाली हिंदी भाषा। हिंदुओं द्वारा बोली जाने वाली जो हिंदी भाषा है वो हिंदी भाषा कहलाएगी एंदुई। और हिंदुस्तानी जो शब्द है, इस हिंदुस्तानी शब्द का अर्थ होता है मुसलमानों द्वारा बोली जाने वाली उर्दू मिश्रित हिंदी भाषा। यानी ये जो इनका इतिहास ग्रंथ है इस्तवार दैला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी, इस पूरे का अर्थ हो गया कि एंदुई और हिंदुस्तानी भाषा के साहित्य का इतिहास। जहाँ आप एंदुई भाषा का अर्थ लेंगे हिंदुओं द्वारा बोली जाने वाली हिंदी, और हिंदुस्तानी भाषा का अर्थ आप लेंगे कि मुस्लिमों द्वारा बोली जाने वाली उर्दू मिश्रित हिंदी। आगे हम इसमें बात करें कि इस पुस्तक के कुल 5 भाग प्रकाशित हुए थे और 5 भाग 2 संस्करणों में प्रकाशित हुए थे। ये जो पुस्तक प्रकाशित हुई है इसके कुल 5 भाग प्रकाशित हुए हैं और वो भी 2 संस्करणों में प्रकाशित हुए हैं। इसका पहला भाग जो सॉरी पहला संस्करण प्रथम संस्करण 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। जो इसका प्रथम संस्करण आया था, 2 संस्करण इसके प्रकाशित हुए हैं, तो जो प्रथम संस्करण आया था वो 2 भागों में प्रकाशित हुआ, जिसका अभी प्रथम भाग 1839 ईस्वी में और द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। याद रखना है आपको कि संपूर्ण पुस्तक जो कि गार सादे तासी ने लिखी थी, ये संपूर्ण पुस्तक कुल 2 संस्करणों में और 5 भागों में प्रकाशित हुई है। जो पहला संस्करण है वो 2 भागों में प्रकाशित हुआ है, जो दूसरा संस्करण है वो 3 भागों में प्रकाशित हुआ है। तो दूसरा संस्करण जो 3 भागों में प्रकाशित हुआ था, इसके प्रथम व द्वितीय भाग 1870 में और तृतीय भाग जस्ट अगले वर्ष 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यानी ये आपको कंप्लीट बात याद रखनी है कि 2 संस्करणों में 5 भागों में प्रकाशित हुआ है। जो पहला संस्करण आया था उसके 2 भाग थे, दूसरा संस्करण आया था उसके 3 भाग थे।
तो पहले संस्करण का जो दो भाग थे उसमें से पहला भाग 1839 ईस्वी में और दूसरा भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। द्वितीय संस्करण के जो तीन भाग थे उसमें पहला और दूसरा भाग 1870 ईस्वी में और तीसरा भाग 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अब आगे बात करें कि जब इसका प्रकाशन हुआ दो संस्करणों में पांच भागों में, तो इसका प्रकाशन किसने किया था? तो देखो, इस ग्रंथ का प्रकाशन किया था द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड ने। ये इसके प्रकाशक थे, प्रकाशन करने वाले थे इसके, द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड। नेक्स्ट कि यह ग्रंथ मूलतः फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। विशेष रूप से आपको याद रखना है कि किसी विदेशी विद्वान द्वारा लिखा गया हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ है, विदेशी विद्वान द्वारा लिखा गया और विदेशी भाषा में लिखा गया है। जो विद्वान थे इसे लिखने वाले गार्सा दे तोसी, वो फ्रांस के रहने वाले थे और उन्होंने फ्रेंच भाषा में इसे लिखा था। लेकिन आगे चलकर सन 1848 ईस्वी में दिल्ली के एक मौलवी थे करीमुद्दीन, उन करीमुद्दीन ने इसका हिंदी अनुवाद किया था। आप देख रहे हैं कि 1848 ईस्वी में दिल्ली के एक मौलवी करीमुद्दीन ने वाई एफ फैलन के सहयोग से दिल्ली कॉलेज के माध्यम से तबकात उ था तबकात उ शशुरा, या फिर आप इसे कह सकते हैं तज़किरा ई हिंदी। ये दोनों नाम इसी के हैं जो करीमुद्दीन ने इसका हिंदी अनुवाद किया है, तबकात उ शशुरा या फिर तज़किरा ई हिंदी नाम से इसका उर्दू में अनुवाद किया था। और साथ में जब इन्होंने अनुवाद किया तो इन्होंने अपनी तरफ से भी इसमें कुछ तथ्य डाल दिए, अपनी तरफ से इसमें कुछ तथ्यों का समावेश कर दिया। तो जैसे ही इन्होंने अपनी तरफ से इसमें मौलिक तथ्यों का समावेश किया, तो मौलिक तथ्यों का समावेश करने के कारण कुछ जो इतिहासकार हैं वो इन्हें करीमुद्दीन की रचना भी मान बैठते हैं गलती से कि ये रचना करीमुद्दीन की, बल्कि ऐसा नहीं है, रचना है ये गार्सा दे तोसी की। करीमुद्दीन ने केवल इसका उर्दू अनुवाद किया था और उर्दू अनुवाद करते समय इन्होंने कुछ तथ्य अपनी तरफ से डाल दिए, इसलिए इसे कई विद्वान करीमुद्दीन की मौलिक रचना मान बैठते हैं। ये ध्यान रखना है आपको कि इसकी जो मूल भाषा है वो फ्रेंच है, उर्दू अनुवाद करने वाले हैं करीमुद्दीन, और आगे चलकर इसका हिंदी अनुवाद भी किया गया। तो हिंदी अनुवाद किया था 1953 ईस्वी में प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण वारसन्य ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से इसका हिंदी अनुवाद किया था, जो हिंदुस्तानी अकेडमी इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ था। ये आपको याद रखना है कि हिंदी अनुवाद करने वाले हैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण वारसन ने, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से हिंदी अनुवाद किया और हिंदुस्तानी अकेडमी इलाहाबाद से इसे प्रकाशित करवाया था। अब देखिए, यहाँ तक एक बार शॉर्ट में मैं आपसे थोड़ी सी बात कर रहा हूँ कि अभी तक आपने देखा कि सबसे पहले गार्सा दे तोसी ने इतिहास ग्रंथ लिखा जिसका नाम दिया गया था, इन्होंने नाम दिया, जो गार्सा दे तोसी ने लिखा उसकी जो मूल भाषा थी वो मूल भाषा फ्रेंच। आप ऊपर देख चुके हैं कि मूल भाषा इसकी फ्रेंच थी, गार्सा दे तोसी ने लिखा और गार्सा दे तोसी ने नाम दिया इस्तवार देला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी। तीन चीज़ें आपको यहाँ अलग अलग याद रखनी होंगी कि जब मूल रूप से लिखा गया गार्सा दे तोसी द्वारा तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया, इस्तवार देला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी नाम से लिखा गया और द ओरिएंटल सोसाइटी द्वारा ये प्रकाशित हुआ था। अब उसके बाद दूसरी बात आती है कि इसका उर्दू अनुवाद किसने किया, तो उर्दू अनुवाद किया करीमुद्दीन ने, किस नाम से किया, तबकात उ शशुरा के नाम से किया और दिल्ली कॉलेज के माध्यम से इसे प्रकाशित करवाया था। तीसरी बात आती है हिंदी अनुवाद की, तो हिंदी अनुवाद किया डॉक्टर लक्ष्मीनारायण वारसन्य ने और नाम दिया हिंदुई साहित्य का इतिहास और प्रकाशन करवाया इसका हिंदुस्तानी अकेडमी इलाहाबाद से। तो तीनों बात आपको अलग अलग याद रखनी है कि तीन भाषा, फ्रेंच भाषा में लेखक है गार्सा दे तोसी, उर्दू अनुवाद करने वाले हैं करीमुद्दीन, हिंदी अनुवाद करने वाले हैं डॉक्टर लक्ष्मीनारायण वारसन्य। मूल जो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था उसका प्रकाशन हुआ था ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी द्वारा, उर्दू अनुवाद का प्रकाशन हुआ था दिल्ली कॉलेज द्वारा और हिंदी अनुवाद का प्रकाशन हुआ था हिंदुस्तानी अकेडमी इलाहाबाद द्वारा। नेक्स्ट देखें कि इस ग्रंथ की रचना में तोसी ने 66 पुस्तकों की मदद ली थी जिसमें से 11 पुस्तकें हिंदी से संबंधित थी। कि जब इस ग्रंथ की गार्सा दे तोसी ने रचना की थी तो उसकी रचना में 66 पुस्तकों की इन्होंने सहायता ली थी और उन 66 में से 11 पुस्तकें हैं जो कि हिंदी भाषा से संबंधित हैं। इस ग्रंथ का प्रथम कवि अंगद और अंतिम कवि हेमंत पंत है। यहाँ से एक क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा ध्यान रखेंगे कि गार्सा दे तोसी ने जब ये
लिखा था इतिहास ग्रंथ, तो इन्होंने काल क्रम को नहीं अपनाया, बल्कि काल क्रम के आधार, काल क्रम को छोड़कर इन्होंने वर्णानुक्रम को अपनाया है। क्योंकि इन्होंने जो पहला कवि लिखा है, वो पहला परिचय इन्होंने अंगद कवि का दिया है और अंतिम दिया है हेमंत पंत कवि का। अगर कालक्रम के अनुसार लिखते तो कालक्रम में जिस कवि का जन्म जिस समय हुआ है उन्हीं घटनाओं के आधार पर चलते, और जब वर्णानुक्रम पद्धति में चलते हैं तो वर्णों के अनुसार चलते हैं, सबसे पहले ए फिर आ इस प्रकार से। यानी वर्णानुक्रम में आप चलेंगे तो देखिए कबीर हो चाहे केशव हो, दोनों का वर्णन एक साथ करना होगा क्योंकि दोनों में क आ रहा है, तो कबीर का केशव का वर्णन एक साथ चलेगा, वो पद्धति कहलाएगी वर्णानुक्रम पद्धति। और कबीर और केशव दोनों के यदि उनके समय के अनुसार दर्शाएंगे तो वो पद्धति कहलाएगी कालक्रम पद्धति। तो गारसादे तोसी ने जो अपनी रचना की है इस रचना में कालक्रम को नहीं दर्शाकर बल्कि वर्णानुक्रम पद्धति का इन्होंने प्रयोग किया है, वर्णों के अनुसार इन्होंने कवियों का परिचय दिया है, जिसमें सबसे पहले कवि अंगद और अंतिम कवि आ जाएगा हेमंत पंत। अब आगे बात करते हैं ग्रंथ में वर्णित कवियों की संख्या, कि इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में कितने कवियों का वर्णन किया है। तो देखिए तीन आपको बता दिया कि तीन प्रकार के ग्रंथ हो गए, एक तो वो मूल ग्रंथ जो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था गारसादे तासी द्वारा, एक हो गया इसका उर्दू अनुवाद जो करीमुद्दीन ने किया था, एक हो गया इसका हिंदी अनुवाद जो कि डॉक्टर लक्ष्मीनारायण वारसन्ने ने किया। तो मूल ग्रंथ में कुल कवि हैं 738, जिसमें से हिंदी के कवि हैं भाई 72। जब उर्दू अनुवाद इसमें किया तो करीमुद्दीन ने उर्दू अनुवाद किया, तो आपको बताया था कि करीमुद्दीन ने अपनी तरफ से इसमें कुछ मौलिक तथ्य डाले थे, तो 738 कवि तो ये रह गए और कुछ कवियों का इन्होंने अपनी तरफ से समावेश कर दिया, तो इन्होंने कुल कवियों की संख्या दर्शा दी 1004, जिसमें से हिंदी के कवि हैं 60। जब डॉक्टर लक्ष्मीनारायण ने इसका हिंदी अनुवाद किया तो उन्होंने कुल कवि रखे 358, जिसमें से हिंदी के कवि 220। यानी कि इन्होंने हिंदी अनुवाद किया है तो हिंदी के कवियों को ज़्यादा इन्होंने प्रधानता दी है। तो ये आपको याद रखना है कि मूल ग्रंथ में कुल कवि हैं 738, जिसमें हिंदी के कवि हैं 72, उर्दू अनुवाद में कुल कवि हैं 1004, जिसमें हिंदी के कवि हैं 60, हिंदी अनुवाद में कुल कवि हैं 358, जिसमें हिंदी के कवि हैं 220। इस ग्रंथ में यदि हम बात करें आगे तो 1814 पृष्ठों का ये ग्रंथ है, और इन 1814 पृष्ठों में से प्रथम 100 पृष्ठों में इस ग्रंथ की मातृभूमिका लिखी गई है। जब तासी ने इसे लिखा था तो 1814 पृष्ठों में इसने लिखा और 100 पृष्ठों में इन्होंने इस ग्रंथ की भूमिका लिखी। गारसादे तोसी ने हिंदी रचनाओं को चार भागों में इन्होंने विभाजित किया, वो चार भाग कौन से, पहला भाग आख्यान, दूसरा भाग आदि काव्य, तीसरा भाग है इतिहास और चौथा भाग है काव्य। यानी कि कोई भी हिंदी की रचनाएँ हैं वो किससे संबंधित हैं, यदि वो पद्य में लिखी हुई हैं उन्होंने काव्य के रूप में विभाजित किया है, यदि वो किसी ऐतिहासिक वृत्तांत से संबंधित हैं, किसी भी राजा महाराजा से इतिहास की घटना से संबंधित हैं तो उन्होंने इतिहास के रूप में परिभाषित किया है। इस प्रकार इन्होंने हिंदी रचनाओं को चार भागों में विभाजित कर दिया, आख्यान में, आदि काव्य में, इतिहास में और काव्य में। गारसादे तोसी ने ब्रज भाषा का भी समर्थन किया था और विद्वानों ने ब्रज भाषा को एशिया की समस्त भाषाओं में सर्वश्रेष्ठ भी माना है। यह आपको याद रखना है कि एशिया की समस्त भाषाओं में सर्वश्रेष्ठ किस भाषा को माना जाता है, तो आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा। विद्वानों ने माना है ब्रज भाषा को एशिया की समस्त भाषाओं में सर्वश्रेष्ठ। अब आगे देखिए इसकी कमियाँ क्या थी, जो गारसादे तोसी ने जो अपना इतिहास ग्रंथ लिखा इसकी कमियाँ क्या रही। तो पहली कमी आप देख रहे हैं कि इस इतिहास ग्रंथ में काल विभाजन का प्रयास नहीं किया गया। अभी आपको बताया कि काल विभाजन का प्रयास नहीं किया, बल्कि इस ग्रंथ में कवियों को कालक्रम के अनुसार नहीं रखकर वर्णानुक्रम में रखा गया है, काल के अनुसार नहीं रखा बल्कि वर्णों के अनुसार रखा है। अभी इन्होंने पहला कवि दर्शाया है अंगद को, अब अंगद को जन्म के समय अनुसार ना लिख कर, उनका जन्म कब हुआ, कौन से काल में उनका जन्म हुआ, उसके अनुसार ना रख कर उनको उनके नाम के अनुसार, क्योंकि अंगद का नाम सबसे पहले आता है ए से शुरुआत होगी हिंदी वर्णमाला की और अंत में आएगा, अंतिम वर्ण आएगा है, तो अंतिम कवि इन्होंने रखा है हेमंत पंत को। तो ये इनकी कमी है कि इन्होंने काल विभाजन नहीं किया, कालक्रम में नहीं रखकर वर्णानुक्रम में रखा है, और इस कमी के कारण इस पुस्तक को इतिहास ग्रंथ के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है। क्योंकि कल वाली जो हमने कक्षा पढ़ी थी उसमें हमने ये देखा था कि इतिहास ग्रंथ यदि कोई भी व्यक्ति लिखना चाहे तो उसके लिए दो शर्तों का होना अनिवार्य है, जो कि पहली शर्त थी काल क्रम के अनुसार वर्णन होना चाहिए। इतिहास लेखन की सबसे पहली शर्त है कि यदि इतिहास ग्रंथ हम लिखेंगे तो उसका वर्णन काल क्रम के अनुसार होना चाहिए, और दूसरी शर्त है कि उस काल की विशेषताओं का, उस काल की प्रवृत्तियों का वर्णन किया जाना चाहिए। तो गारसादे तोसी ने तो काल विभाजन का प्रयास ही नहीं किया, काल क्रम के अनुसार इन्होंने कवियों का वर्णन नहीं किया, इसलिए इस कमी के कारण इस
पुस्तक को इतिहास ग्रंथ की मान्यता नहीं दी गई, लेकिन प्रोफेसर को इतिहास लेखक के रूप में जरूर स्वीकार किया है। हालांकि इनके लिखे हुए ग्रंथ को तो इतिहास ग्रंथ नहीं माना जाता, लेकिन इनको इतिहास लेखक के रूप में स्वीकार जरूर किया जाता है। ये थी हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास ग्रंथ, जो कि सबसे पहला इतिहास ग्रंथ लिखा गारसादे तोसी ने। उस गारसादे तोसी के इतिहास ग्रंथ की बात, अब इसके बाद दूसरा जो इतिहास ग्रंथ लिखा, वो दूसरा इतिहास ग्रंथ लिखा ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने। तो सबसे पहला इतिहास ग्रंथ आपने देख लिया, गारसादे तोसी के द्वारा लिखा गया। दूसरा इतिहास ग्रंथ लिखा गया ठाकुर शिव सिंह सेंगर द्वारा। तो देखिए, दो अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ लिखने का प्रयास किसने किया, आंसर होगा गारसादे तोसी। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखने का पहला प्रयास किस हिंदुस्तानी विद्वान ने किया। तो यदि बात करें हम हिंदुस्तानी विद्वान की, तो हिंदुस्तानी विद्वान के रूप में आंसर होगा ठाकुर शिव सिंह सेंगर, क्योंकि गारसादे तोसी हिंदुस्तानी विद्वान नहीं थे, वो विदेशी विद्वान थे। तो ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने जो अपना हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा, जिस इतिहास ग्रंथ का नाम था शिव सिंह सरोज, किसी हिंदुस्तानी विद्वान द्वारा हिंदी भाषा में लिखा गया यह प्रथम इतिहास ग्रंथ है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रखना है कि यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंदी भाषा का प्रथम इतिहास ग्रंथ यानी हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो आंसर होगा गारसादे तोसी का इतिहास ग्रंथ। लेकिन हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ, तो आंसर हो जाएगा शिव सिंह सरोज। यह इतिहास ग्रंथ पहले 1878 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इसका संशोधित संस्करण 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। सबसे पहले 1878 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था, लेकिन इसमें काफ़ी कमियाँ रह गई थी। तो उन कमियों में सुधार करने के बाद इसका जो संशोधित संस्करण प्रकाशित हुआ था, वो 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और इस ग्रंथ का प्रकाशन किया था नवल किशोर प्रेस लखनऊ ने। नवल किशोर प्रेस लखनऊ द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। इन्होंने जो ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने जो अपना इतिहास ग्रंथ लिखा है, उस इतिहास ग्रंथ में इन्होंने 1003 कवियों का जीवन चरित्र यानी उन कवियों का परिचय दिया है और उनके रचनाओं के 100 उदाहरण लिखे गए हैं। अब यहाँ एक डिफरेंस और आपके सामने, एक अंतर और सामने आ रहा है कि जो गारसादे तोसी ने जो अपना इतिहास ग्रंथ लिखा था, उसमें उन्होंने केवल कवियों का जीवन परिचय दिया था, उनकी रचनाओं के उदाहरण नहीं दिए। ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने 1003 कवियों का जीवन परिचय भी लिखा और उनकी रचनाओं के 100 उदाहरण भी। जैसे किसी भी कवि का जीवन परिचय वो लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कबीर के बारे में दर्शा रहे हैं, तो कबीर का जीवन परिचय दर्शाया और कबीर का कोई भी एक उदाहरण, कबीर का लिखा हुआ कोई भी एक पद भी साथ में दर्शाया है। इस प्रकार 1003 कवियों का जीवन चरित्र भी इन्होंने लिखा है और साथ में उनकी रचनाओं के 100 उदाहरण भी लिखे हैं। और इन्होंने कवि पुष्य पुंडरिया पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि माना है। हिंदी का प्रथम कवि ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने किसे माना, तो आंसर होगा पुष्य कवि कह दीजिए, पुंडर कवि कह दीजिए, पुष्पदंत कह दीजिए, चाहे पुष्यदंत कह दीजिए, एक ही बात है। तो इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि माना है कवि पुष्य को। ये थे ठाकुर शिव सिंह सेंगर का इतिहास ग्रंथ। यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण दो प्रश्न है जो कि आपको याद रखने हैं ठाकुर शिव सिंह सेंगर के, कि किसी हिंदुस्तानी विद्वान द्वारा हिंदी भाषा में हिंदी का इतिहास लिखने का जो पहला प्रयास किया था, वो ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने ही किया था शिव सिंह सरोज के नाम से। और दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना, तो उसका आंसर होगा कवि पुष्य पुंडरिया पुष्यदंत को इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो दोस्तों, आज ही हमने हिंदी के दो प्रमुख इतिहासकार पढ़े हैं, जिनमें एक ठाकुर शिव सिंह सेंगर और एक गारसादे तोसी। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आए होंगे। और देखिए, जो कोशिश मैंने की है, वो कोशिश ये की है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन लगभग इन्हीं में से आए, क्योंकि जहाँ आप तैयारी कर रहे हैं प्रथम श्रेणी शिक्षक या द्वितीय श्रेणी शिक्षक की, उसमें जो इतिहास पूछा जाता है, तो उस इतिहास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चंस हैं। तो कोशिश यही है कि उनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से कवर हो जाएं। कंटिन्यू आप बने रहें, कंटिन्यू आप कक्षाएं देखते रहें। और ये जो नोट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको पहले भी बता चुका हूं कि आप इन्हें वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको इन्हें डाउनलोड कैसे करना है, एक बार लास्ट में मैं ये बता देता हूं कि डाउनलोड कैसे करें। यदि आपको ना समझ में आया हो, तो एक बार मैं प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं डाउनलोड, आप देख लीजिए कैसे डाउनलोड करना है। तो देखिए, नोट्स को आप डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप कोई भी ब्राउज़र खोलें, चाहे आप यूसी ब्राउज़र ओपन करें, चाहे आप क्रोम ब्राउज़र या कोई भी एक ब्राउज़र ओपन करें। उसमें आपको ब्राउज़र चाहे आप कोई भी लें, लेकिन आपको गूगल खोलना होगा। गूगल खोलें आप सबसे पहले। गूगल खोलने के बाद गूगल में आपको टाइप करना है JASWANTMEHTA
140। दोस्तों ध्यान रखें कि टाइपिंग करते समय ये जब आप लिखेंगे जसवंत मेहता 140 तो बीच में स्पेस ना दें, जसवंत मेहता 140 लिखकर आप सर्च करें, तो सर्च करेंगे तो सबसे पहले ऊपर साइट खुलेगी सम्राट के नाम से, इस पर आप क्लिक करेंगे। जो सम्राट के नाम से साइट खुल रही है इस पर आप क्लिक करें, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने अभी देखिए प्रोसेसिंग हो रही है, PDF फॉर्मेट में नोट्स डाले गए हैं। ये हमारी वेबसाइट है जसवंत मेहता हिंदी विशेषज्ञ के नाम से, इस वेबसाइट पर ये संपूर्ण नोट्स डाले गए हैं जिसमें हिंदी साहित्य के भी नोट्स हैं, हिंदी व्याकरण के भी नोट्स हैं। हिंदी व्याकरण के तो कंप्लीट नोट्स ऑलरेडी डाल चुका हूँ, हिंदी साहित्य के नोट्स रोज़ाना डाले जा रहे हैं। जो टॉपिक आपको मैं डेली करवाऊँगा यही डेली वेबसाइट पे इस पे डालता रहूँगा। इन्हें आप जैसे ही आप जो भी नोट्स आपको चाहिए उस पर आप क्लिक करें तो वो आपके फ़ोन में सेव हो जाएगा, चाहे आप उसका प्रिंट आउट लें चाहे आप उसे फ़ोन में सेव रखें। धन्यवाद दोस्तों, कंटिन्यू साथ में बने रहें, उम्मीद है कि काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको इसमें से मिलेंगे। धन्यवाद।